नमस्कार दोस्तों, मैं कांस्टेबल सतपाल। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी भाइयों की रिक्वेस्ट थी, कमेंट्स में सब भाइयों ने बोला कि सर कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट की दीज करिएगा, क्योंकि अब जो आपको वैकेंसी आ रही है उससे संबंधित बता देता हूँ दोस्तों, किस किस वैकेंसी में कंप्यूटर की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, आप हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरोगे, हरियाणा कलर्क का फॉर्म भरोगे, दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरोगे, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का फॉर्म भरोगे। देखिए दोस्तों, इन हर सारे पेपरों में 10 नंबर की कंप्यूटर आने की पूरी मतलब संभावना क्या, वो तो आएगा ही। देखिए दोस्तों, जो परफॉर्मा है, जो सिलेबस दे रखा है उन्होंने, स्पष्ट दे रखा है कि 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि सिलेक्शन होने में और ना होने में सिर्फ किस चीज़ का वो रहेगा डिफरेंस, वो रहेगा कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स से संबंधित। देखिए दोस्तों, जिसकी कंप्यूटर और करंट अफेयर्स ठीक है वो सिलेक्शन ले जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, जो पुराने हैं उन्होंने कंप्यूटर की तैयारी नहीं की, जो नए हैं आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना भी है, वो तो वैसे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और स्कूलों में भी आजकल करवाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, जैसे आपने बोला था कि सर कंप्यूटर का करवा दीजिए, देखिए दोस्तों मैं आपको टॉपिक वाइज हर टॉपिक क्लियर करा दूंगा, ठीक है। हर मतलब कोशिश करूंगा कि हर दिन एक वीडियो लेके आऊँ, ज़्यादा नहीं कराऊंगा दोस्तों, आपको 20 मिनट के लगभग कंप्यूटर की क्लास कराऊंगा। एक बुक उठाई है मैंने अच्छी सी, उस बुक को मैं पूरी करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको पहले कैसे मतलब प्रक्रिया क्या होगी, किस किस तरह से आपको समझाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको टॉपिक बताया जाएगा, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर उससे संबंधित आपको क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। यही है, इसी प्रकार से अपन सारे टॉपिक क्लियर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अपन महीने से डेढ़ दो महीने के अपना एग्ज़ाम जब तक है, डेढ़ दो महीने तक अपना पूरा कंप्यूटर का सिलेबस पूरा कर लेंगे। आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप कम से कम 20 मिनट की वीडियो है तो उसको बिना स्किप करके देखिएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें पूरी जानकारी आपको समझा के बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्त देखिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं अपनी कंप्यूटर की पहली क्लास है, ठीक है। कंप्यूटर की पहली क्लास है, आपको हमेशा क्लासें मिलती रहेंगी। देखिए दोस्तों, जो भी भाई जो है वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि देखिए दोस्तों, मैं नहीं मानता कि कंप्यूटर का कोई इतना अच्छा पढ़ा रहा होगा फिलहाल कोई भी यूट्यूब चैनल पे। मैंने खुद सर्च किया है, इसीलिए मैं यार किसी को मिला नहीं, मैंने खुद बनाने की सोची है, ठीक है। तो दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनका भी मतलब प्रॉफिट हो सके, ठीक है दोस्तों। तो आज का अपना टॉपिक है, देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का परिचय। मेनली सबसे पहले यही टॉपिक होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आ गया अपना इंट्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, क्या हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर अपना पहला आ गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, अब क्या इंट्रोडक्शन हम आपको बताते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम है वो भी समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हिंदी इतनी इसमें हार्ड नहीं दे रखी, बिल्कुल नॉर्मल हिंदी दे रखी है, इसमें इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखिए दोस्तों, ये एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर का काम क्या, देखिए दोस्तों, जो डाटा इनपुट करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डाटा को प्रोसेस, स्टोर तथा डिस्प्ले करता है। देखिए दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट करता है, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी भी रिजल्ट को प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करता है, उसको दिखाता है। देखिए दोस्तों, हम कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को हम सेव कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, और हम उसको एक डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब बात आती है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई एक लैटिन भाषा का शब्द था। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर शब्द से इसकी, देखिए देख सकते हो, कंप्यूटर सबसे इसकी उत्पत्ति हुई है। देखिए दोस्तों, इसका मेन अर्थ होता है गणना करना। देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन करना इसका मेन मकसद है, ठीक है, इसलिए हम इसे गणक यंत्र भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, गणक यंत्र। देखिए दोस्तों, ये शब्द आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित इन्हीं में से कोई ना क्वेश्चन पड़ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अतः कंप्यूटर से तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग किस किस लिए किया जाता है, गणना करने में, प्रक्रिया, यांत्रिक, अनुसंधान, शोध, सभी कार्यों में। आप देख सकते हो दोस्तों, कहाँ का कंप्यूटर का यूज किया जाता है आजकल, आप देख सकते हो ऑफिस में, बैंक में, हर जगह कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है।
कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है। देखिए दोस्तों, मेनली कंप्यूटर में क्या चीज़ होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, दो ही चीज़ होती है कंप्यूटर में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्या होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो ही चीज़ होती है मेनली, ठीक है, जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हैं। देखिए दोस्तों, हम कोई भी डाटा उसमें डालते हैं, जैसे हम कैलकुलेशन कर लिया, जैसे हमने 3 × 2 डाल दिया तो रिजल्ट क्या देगा, 6 देगा ना, तो उसी प्रकार देखिए दोस्तों, हम उसमें डाटा डालते हैं और वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, यही इसमें दिया गया है, जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बात करेंगे कंप्यूटर की कार्य पद्धति क्या है, कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है, इसमें क्या क्या सिस्टम होता है। कंप्यूटर के द्वारा निम्न चार कार्य किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर क्या होता है, चार कार्य करता है, कौन कौन से कार्य करता है वो हम देखेंगे। सबसे पहला आता है इनपुट, इनपुट कंप्यूटर में डाटा या सूचना को भेजना इनपुट कहलाता है। देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर में डाटा या सूचना है उसको भेजना क्या है, इनपुट कहलाता है, और यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देखिए दोस्तों CPU होता है, के लिए डाटा को निर्देश भेजता है। देखिए दोस्तों, हम किसी भी कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं उसके अंदर, तो ये किसको भेजता है, CPU को। CPU क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग हम बोलते हैं, माइंड ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, CPU, तो के लिए डाटा को निर्देश भेजता है। देखिए दोस्तों, ये अपने निर्देश किसको भेजता है, CPU तक पहुँचाता है। अब देखिए दूसरा है प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो सेंट्रल CPU है, कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। देखिए दोस्तों, जो उसको निर्देश देता है कंप्यूटर, जो भी जैसे मैंने बताया 3 × 2 हमने उसमें डाला, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, CPU में जाएगी, ठीक है। देख, मैंने जैसे बता दिया, कैलकुलेशन के द्वारा कैलकुलेशन तुलनात्मक कार्य और निर्णायक कार्यों में सहायता करता है। देखिए दोस्तों, हम जो भी इसमें इनपुट करेंगे, 3 × 2 डाला हमने, डाटा डाला, वहाँ से डाटा को कहाँ भेजा इसने, CPU में, CPU से हमें रिजल्ट मिलेगा। CPU जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, सब कुछ जो होता है वो CPU के अंदर ही होता है, CPU के माध्यम से ही हमें वो अपना रिजल्ट बनता है। अब देखें दोस्तों, आउटपुट, यह थर्ड आता है, आउटपुट क्या है, आउटपुट यह उपयोगकर्ता को संसाधित प्रोसेस डाटा उपलब्ध कराता है। देख, यह कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को इनपुट निर्देशों के अनुसार यूजर के समक्ष प्रस्तुत करता है। देखिए दोस्तों, हम जो डाटा डालते हैं इसके अंदर, वो CPU में जाता है, ठीक है, ठीक है, कहाँ कहाँ जाता है आउटपुट, यह उपयोगकर्ता के प्रोसेस डाटा उपलब्ध कराता है। यह कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को इनपुट निर्देशों के अनुसार यूजर के समक्ष प्रस्तुत करता है। देखिए दोस्तों, हम जहाँ भी कोई मतलब डालते हैं, कोई डाटा डालते हैं, वो कंप्यूटर में से CPU में जाता है, फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, वही बताए इसमें। अब चौथा आता है स्टोरेज, यह डाटा और प्रोग्राम के स्थायी रूप को से स्टोर करता है। देखिए दोस्तों, हम कोई भी डाटा या कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, वो इसके हम स्टोर कर सकते हैं। इसका प्रयोग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय सूचनाएं स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें कोई भी सूचना प्राप्त करना संभव होता है। देखिए दोस्तों, जो स्टोरेज होती है उसमें हम कोई भी सूचना अपनी सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये है मेन कंप्यूटर की किस कार्य पद्धति पर कार्य करता है, ये इसके चार मुख्य पॉइंट हैं। आप देख सकते हो, पहला है इनपुट, दूसरा है आउटपुट, थर्ड है प्रोसेसिंग और स्टोरेज, अब ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इसका किस प्रकार आए, क्वेश्चन इसका इस प्रकार आ सकता है कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति में कौन सा शामिल नहीं है, तो दे दिया जैसे इनपुट दे दिया, आउटपुट दे दिया, स्टोरेज दे दिया और MS Excel दे दिया। तो देखिए दोस्तों, जो कार्य पद्धति है उसमें MS Excel नहीं आएगा, मेनली कार्य पद्धति का यही होते हैं दोस्तों चार पॉइंट। अब बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, ठीक है दोस्तों। देखिए, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते रहिए अंत तक, बोरिंग लगे तो आप रोक लीजिएगा एक बार, फिर उसको फिर से देख लीजिएगा। कंप्यूटर की विशेषताएं, देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं निम्न है। कंप्यूटर की क्या क्या मतलब वो है विशेषताएं, देखिए दोस्तों, पहली है गति, मतलब स्पीड से काम करता है। गति, कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड या पिको सेकंड में भी गणनाएं करता है। देखिए दोस्तों, पहला है, ये सबको पता है, कंप्यूटर जल्दी कार्य करता है, तो गति। दूसरा, त्रुटिरहित कार्य है। देखिए दोस्तों, इसकी एक्यूरेसी होती है वो अच्छी होती है, मतलब कार्य करने में गलती नहीं करता, हम जो इसको देंगे उसको सटीक उसके उत्तर देगा, यही है त्रुटिरहित कार्य, मतलब गुड एक्यूरेसी, मतलब सही एक्यूरेसी देता है। फिर है स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब किसी भी
कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाएं का विशाल भंडार संचित कर सकता है, इसमें आंकड़ों में प्रोग्राम स्टोरेज, वही है दोस्तों स्टोरेज क्षमता। देखिए दोस्तों इसमें क्या, इसकी स्टोरेज क्षमता अच्छी होती है, कितना भी स्टोर कर सकता है। देखिए दोस्तों मुख्य विशेषता क्या होगी, स्पीड है सबको पता है, फिर क्या गलती नहीं करता, त्रुटि रहित है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है कि इसमें स्टोरेज की वो फैसिलिटी है, ये इसकी वह है। अब देखिए चौथा क्या, देखिए दोस्तों बहुउद्देशीय, ये एक साथ में कई कार्य कर सकता है। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग कार्य एक साथ करने की क्षमता रखता है। देखिए वही है दोस्तों बहुउद्देशीय वर्सटाइल वर्क। देखिए दोस्तों हम एक बार कंप्यूटर को ओपन करके उसमें एक साथ में कई फाइल्स खोल सकते हैं, कई कार्य तेजी के साथ कर सकते हैं, यही इसका छठा है। फिर पांचवा क्या है, गोपनीयता मतलब सीक्रेसी, हम अपने पासवर्ड लगा के हम किसी भी चीज़ को सिक्योर रख सकते हैं, ठीक है, वही है गोपनीयता। फिर है समक्षता, यह एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर एक पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता, देख ठीक है, ये किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। देखिए दोस्तों बाहर का जैसे कोई इंसान है उसको तो भाई बोर हो जाए, वो और कुछ हो जाए, कंप्यूटर तो वैसा है नहीं, इंसान है नहीं, मशीन है, तो इसके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये आराम से अपने कार्य करता रहता है। अब सातवां पॉइंट है स्वचालितता, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानव हस्तक्षेप की संभावना न के बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर के कार्य करने निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों ये एक ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें हम अपना कोई भी इसको बोलेंगे कुछ भी करने के लिए, कुछ भी टाइप करेंगे तो वो अपने आप करके देता है हमें, ठीक है। अब आता है आठवां, विश्वसनीय है। देख कंप्यूटर की याद रखने की शक्ति एवं शुद्धता बहुत उच्च कोटे की होती है, इसलिए जुड़ी हुई प्रक्रिया विश्वसनीय होती है। देखिए दोस्तों क्या है कि इसमें स्टोर हो गया वो तो विश्वसनीय है ही, वो कहाँ जाने वाला है, तो वो ये है इसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित पद, ठीक है, क्या क्या हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों पहला है हार्डवेयर, हार्डवेयर यह कंप्यूटर का वो भाग होता है जिसमें स्पर्श कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हार्डवेयर क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि चार चीज़ दे दी, उसमें दे दिया कि हार्डवेयर इनमें से कौन सा है या फिर इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए हार्डवेयर वह चीज़ है जिनको हम टच कर सकते हैं, किसको जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है, ठीक है। जैसे जैसे हम किस किस को, कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, हम माउस को टच कर सकते हैं, हम मॉनिटर को टच कर सकते हैं, हम सीपीयू को टच कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ होगी हार्डवेयर, मतलब हार्ड मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपने वो फ़ोन भी यूज़ करते हैं तो सबको पता है एप्लीकेशंस वगैरह, कोई वेब वगैरह, वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो कंप्यूटर में फीड होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब थर्ड आता है दोस्तों डाटा, डाटा क्या चीज़ होती है, यह तथ्य और व्यवस्थित आंकड़ों का समूह है, यह कंप्यूटर में एक निश्चित स्थान पर स्टोर होता है जिसे डाटा का स्थान कहा जाता है। डाटा दो प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डाटा, ठीक है दोस्तों। डाटा क्या है कि देखिए दोस्तों कोई भी डाटा है, अपन कोई भी फाइल रख सकते हैं, कोई फोटो रख सकते हैं, कोई भी चीज़ रख सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, वही एक डाटा है, ठीक है दोस्तों डाटा, ठीक है। इसको हम कोई भी निश्चित स्थान पर कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं, कोई भी फोल्डर बना के इसको स्टोर कर देते हैं। देखिए दोस्तों डाटा है वो दो प्रकार का होता है, एक तो न्यूमेरिक और एक नॉन न्यूमेरिक, ठीक है। अब आती है चौथा क्या, सूचना, जब डाटा को क्या है सूचना, देखिए दोस्तों जब डाटा को उपयोगी बनाने के लिए इसे संबंधित संगठित एवं संचारित किया जाता है तो प्राप्त डाटा सूचना कहलाती है। देखिए दोस्तों वैसे बताया जैसे हम मॉनिटर में डाटा इनपुट करते हैं, डाटा डालते हैं उसके अंदर, वो कहाँ भेजता है, सीपीयू के पास भेजता है, सीपीयू हमें क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, तो वही सिस्टम है। देखिए दोस्तों वही डाटा है, किसी भी डाटा को डाला, ठीक है, बनाने के लिए, या फिर हम उसको प्राप्त डाटा सूचना कहलाती है, हम वहाँ का सीपीयू में भेजेंगे, तो वही है। अब देखिए दोस्तों निर्देश, ये एक यूज़र द्वारा कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर को दी जाती है। देखिए दोस्तों निर्देश, हम जिस लैंग्वेज में टाइप करते हैं वो लैंग्वेज वहाँ कंप्यूटर में चेंज होकर चली जाती है, हम उसको निर्देश देते हैं वो उसी अनुसार काम करेगा। जैसे हमने निर्देश दिया 3x2, हमने उसको निर्देश दिया वो अपनी अपनी लैंग्वेज में काम करके हमें रिजल्ट देगा 6, ठीक है। तो हमने जो इसके अंदर दिया, हमने 3x2 डाला, वो क्या था, निर्देश, हमने उसको निर्देश दिया कि आप इसको करिए, ठीक है। फिर आता है प्रोग्राम, यह निर्देशों का समूह होता है जो विशेष कार्य के लिए क्रम में कंप्यूटर को दिए जाते हैं। प्रोग्राम देखिए दोस्तों क्या होता है, हम बहुत सारे निर्देश दे देते हैं, ठीक है, मतलब हमने बोल दिया कि ये कीजिए ये कीजिए, जो मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या है कि
एक उसमें से विशेष कार्य के क्रम, मतलब क्रम वह जो कार्य करता है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास क्या है? देखिए दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों को अस्तित्व में आए वे मुश्किल से 85 वर्ष हुए हैं। देखिए दोस्तों, जो आजकल के कंप्यूटर हैं उनको 85 वर्ष हुए हैं, लेकिन कंप्यूटर का इतिहास तो बड़ा पुराना है दोस्तों। सबसे पहले अबेकस आया था, सभी को पता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अबेकस। देखिए दोस्तों, अबेकस क्या होता था पहले, कि डंडिया होती थी, उसके अंदर कुछ कड़े वेड़े डालते रहते थे, वो कैलकुलेशन करने के काम आता था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ दोस्तों? सबसे पहले हुआ, देखिए दोस्तों, अबेकस। ठीक है, अबेकस का काम कब हुआ? 1602 में। कहाँ का, किसने आविष्कार किया, मतलब कौन से देश से आविष्कार इसका? चीन में। यह सबसे पहला एवं सरल यंत्र था। देखिए दोस्तों, बताया था मैंने, सबसे पहला यंत्र था ये। ये ओरिजेंटल तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। देखिए दोस्तों, ये ओरिजेंटल तार होते थे, उनमें मोतियाँ डाल के, ठीक है, उनमें उनके द्वारा गणना की जाती, जोड़ने व घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था। वर्गमूल निकालने के लिए भी प्रयोग में किया जाता था। देखिए दोस्तों, ये मेन पहले था, ये किसके लिए था? ये गणना करने के लिए पहला था। कब आया था? अब पूछ सकते हैं, अबेकस 1602 में आया था। कहाँ पर इसका आविष्कार किया गया? चीन में इसका आविष्कार किया गया। अब दूसरा आया 1617 में, क्या? नेपियर्स बोनस। क्या आया? नेपियर्स बोनस। देखिए दोस्तों, ये जो नेपियर ने इसका किया था, और ये कहाँ के थे दोस्तों? ये स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के? स्कॉटलैंड के। 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े। देखिए दोस्तों, ये इतना मेरे ख्याल से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ, बाकी हो तो आप देख लेना। ठीक है, अब आता है पास्कलाइन। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है पास्कलाइन। 1642 में इसका आविष्कार किया गया दोस्तों। इसका ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था। यह प्रथम मैकेनिकल एंडिंग मशीन थी। ठीक है, यह मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। संख्याओं को जोड़ने व घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यह प्रथम जो है पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन थी दोस्तों। ठीक है, अब क्या है ये? क्या है? जेकार्ड लूम। 1804 में कौन सा आया? जेकार्ड लूम और जोसेफ मेरी इसके आविष्कारक थे, और ये फ्रांस के रहने वाले थे। यह एक ऐसी बनाई हुई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। देखिए दोस्तों, यह एक ऐसी मशीन थी जिसमें क्या है कि बुनाई मशीन थी ये, जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र, जो छेद होते हैं, उनका कार्डों का उपयोग किया जाता था। यह प्रथम मैकेनिकल लूम था। देखिए दोस्तों, जो था ये जेकार्ड लूम, इसका कपड़ा बुनने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता था। अब देखिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, जो एनालिटिकल इंजन है ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 1837 में आया था। चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का जनक जिसे हम बोलते हैं, कहाँ के थे? इंग्लैंड के। देखिए दोस्तों, बताया कंप्यूटर के पिता कौन हैं? चार्ल्स बेबेज हैं। तो ये एनालिटिकल इंजन किसके आविष्कार था? ये था चार्ल्स बेबेज का, 1837 में। यह प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर था। देखिए दोस्तों, पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा था पूछा जाए तो चार्ल्स एनालिटिकल इंजन था। और जो किसका इसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। यह मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों का प्रारूप माना जाता है। देखिए दोस्तों, जो आधुनिक कंप्यूटर हैं उनका प्रारूप माना जाता है इसी से। ठीक है, इसका प्रयोग सभी गणित या क्रियाओं को करने में किया जाता था। फिर आता है दोस्तों 1890 में टेबुलेटिंग मशीन। हरमन ओलेरिथ अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। इसमें संख्या पढ़ने कार्य छिद्र के विकार्डों द्वारा किया जाता था। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं मार्क वन। ठीक है, मार्क वन का आविष्कार किसने किया था? हावर्ड आइकन जो अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने मार्क वन का आविष्कार कब किया था? 1944 में। यह विश्व का प्रथम संपूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक में। देखिए दोस्तों, यह विश्व का प्रथम जो बिजली से चलने वाला यंत्र था। ठीक है, इसमें क्या है कि इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे गिलास, काउंटर स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। इसका प्रयोग भी गणनाएं करने में ही किया जाता था। जब ये पूछ ले विश्व का पहला संपूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा? देखिए दोस्तों, जो पहला विश्व का पहला जो स्वचालित विद्युत का यंत्र कौन सा है गणना करने के लिए, तो वो कौन सा था? मार्क वन।
इसका आविष्कार कब किया गया? 1944 में। किसने इसका आविष्कार किया? हॉवर्ड आइकन ने इसका आविष्कार किया। फिर आता है एनईएक। एनईएक देखिए तो ये इतना तो इम्पोर्टेंट, हाँ एनईएक ठीक है, एनईएक जेपी जेपी एकर्ट और जॉन मोचली, क्या है, जेपी एकर्ट और जॉन मोचली अमेरिका के रहने वाले थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया। 20 एम्यूलेटर्स का एक संयोजन है। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था। पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? अगर पूछ ले कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो एनईएक पहला डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। इसका प्रयोग प्राइवेट फार्मो इंजीनियर रिसर्च एसोसिएशन तथा आईबीएम में किया जाता था, ठीक है। फिर आता है एडसेक। इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने इसका आविष्कार किया था। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। यह वर्गों के पहाड़ों की गणना कर सकता था। अब बात करते हैं किसकी इम्पोर्टेंट, आईबीएम, आईबीएम की बात करते हैं, ठीक है। आईबीएम की क्या है, कब आविष्कार किया गया दोस्तों? इसका 1953 में किया गया। आईबीएम कंपनी ने इसका आविष्कार किया था। देखिए दोस्तों, इनपुट और आउटपुट यूनिट अल्फाबेटिकली तथा स्पेशल करेक्टर के दो अंक के डेसिमल कोड में परिवर्तित करता है। देखिए दोस्तों, जिसमें इनपुट और आउटपुट यूनिट हैं उनको अल्फाबेटिकली तथा स्पेशल करेक्टर को दो अंक के डेसिमल कोड में परिवर्तित करता है, ठीक है। पेरोल प्रोसेसिंग और मार्केटिंग रिसर्च एनालिसिस इसका कार्य है। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ी, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी हैं और किस किस भाग में बांटा गया है, कब से कब उसकी पीढ़ी रही है, जिससे संबंधित हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला बात करते हैं प्रथम पीढ़ी कब से कब। 1940 से 1956 तक पहली पीढ़ी थी। इसमें जो मेन डिवाइस थे दोस्तों, वो किस आधार पर कार्य करता था? देखिए दोस्तों, ये वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये पीढ़ियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी कब से कब से चली? 1940 से 1956 तक चली। यह स्विचिंग डिवाइस कौन सा था? इसका वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब के आधार पर यह कार्य करता था। स्टोरेज और डिवाइस गति, देखिए दोस्तों, ये मैग्नेटिक ड्रम था, मैग्नेटिक ड्रम पर कार्य करता था, मिली सेकेंड में यह कार्य करता था। फिर आता ऑपरेटिंग भाषा, इसके अंदर कौन सी थी? पैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीनी भाषा, बाइनरी नंबर जीरो और वनस इसकी ऑपरेटिंग भाषा थी। इसकी विशेषताएं क्या थी दोस्तों? सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता, देखिए दोस्तों, इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो एक थोड़ी कम थी, और ये मंद गति से इनपुट आउटपुट का, देखिए दोस्तों, ये स्लो था कंप्यूटर, ठीक है, स्लो कार्य करता था। ये मुख्यतः वैज्ञानिक और सामान्य व्यापार सिस्टम जैसे ये मारक वन आदि, इन्हें इनका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब दूसरा आता है दूसरी पीढ़ी 1956 से लेके 1963 तक। ये देखिए दोस्तों, ये पहला जो था वो 1940 से 56, वो किस पे कार्य करता था? वैक्यूम ट्यूब पे। ये दूसरा क्या है, 1956 से 1963 तक इसकी दूसरी पीढ़ी आई, यह किस पे कार्य करता था? ये ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से बने हुए थे दोस्तों, ठीक है, ठीक है। किससे बने हुए थे? पहला किससे बना हुआ था? वैक्यूम ट्यूब से। किससे? पहला वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ था। दूसरा किस पे बना हुआ था? ट्रांजिस्टर से बना हुआ था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी माइक्रोसेकेंड इसकी क्या थी? स्टोरेज डिवाइस की गति थी। अब देखिए दोस्तों, इसमें सिस्टम भाषा कौन सी थी? इसमें भाषा आ गई, पहले में क्या थी? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब इसमें मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग आ गया। फिर इसमें असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। अब ट्रांजिस्टर का प्रयोग आरंभ किया गया, देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? ट्रांजिस्टर का प्रयोग आरंभ किया गया। आकार और ताप में कमी और तीव्र और विश्वसनीय। पहला कंप्यूटर था वो बड़ा था दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब वाला, उसमें कार्य धीरे धीरे किए जाते थे। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया दूसरे में। फिर इसका आकार थोड़ा छोटा किया गया, इसके तापमान जो इसका गर्म होता था उसको भी कम, उसमें कमी आई, और ये विश्वसनीय था और तेज था। ये अब यूज़ कहाँ किया जाता था? व्यापारिक व्यवसाय प्रयोग, इंजीनियर में। देखिए दोस्तों, पूछ क्या सकते हैं, पूछ किस क्वेश्चन इसका किस प्रकार आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्या तो इस प्रकार आ सकता है कि मतलब पांचवी जो मतलब दूसरी पीढ़ी है जो कंप्यूटर, इसको कार्यकाल कितने से कितने तक रखा, मतलब कह सकते हैं कि उसको कब से चला, या फिर पूछ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर है जो, ट्रांजिस्टर स्विचिंग डिवाइस है, वह कौन से जनरेशन की डिवाइस है, आप बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब बात करते हैं तृतीय पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी की। इसमें देखिए दोस्तों, अब ये पूछ सकते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। देखिए दोस्तों, ये मेन है, सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है, ठीक है। इसकी यह कब यूज़ में किया गया दोस्तों? 19 थर्ड जनरेशन उसमें यूज़ में लाया गया,
और कब से कब, 1964 से 1971 के बीच में। ठीक है, क्या है कि जो आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट, उसका आविष्कार कब किया गया, वो तीसरी पीढ़ी में आया। तीसरी पीढ़ी कब से थी, 1964 से लेके 1971 तक तीसरी पीढ़ी थी। अब देखिए दोस्तों, ये किस पे कार्य करता था, मैग्नेटिक कोर और नैनो सेकंड के माध्यम से कार्य करता था। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे, यही है दोस्तों, ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेनली। ठीक है, अब बात करते हैं चौथी पीढ़ी की, बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर। चौथी पीढ़ी कब से थी, देखिए दोस्तों चौथी पीढ़ी थी 1971 से वर्तमान तक, अभी भी चल रही है दोस्तों चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, अभी भी चल रही है। इसमें भी आईसी चिप का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर मेमोरी और पिको सेकंड के उस पर कार्य करता है। इसकी गति क्या है, पिको सेकंड में कार्य कर देता है, मतलब सेकंड के कुछ ही भागों में था, तीसरा ही कर देता था। देखिए दोस्तों नैनो सेकंड में चौथा है, ये उससे भी कम पिको सेकंड में कर सकता है। इसकी टाइम शेयरिंग नेटवर्क भी तेज है, देखिए दोस्तों इसकी भाषा है पास्कल है, पास्कल इसकी भाषा है। देखिए दोस्तों पूछ सकते हैं पास्कल क्या होता है, पास्कल कंप्यूटर का नाम है, पास्कल किसका नाम है, तो भाषा है, और भाषा क्या है, कोबोल 74 भी भाषा है, ADA भी भाषा है। देखिए दोस्तों इसकी विशेषताएं क्या, ये मिनी कंप्यूटर के प्रयोग में वृद्धि है, भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्रों के बीच अनुकूलता, जिससे उपयोग क्या है, जिससे उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा न रहे। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवी पीढ़ी। देखिए दोस्तों पांचवी ही पीढ़ी चल रही है, सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन में आया, इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी जनरेशन में आया, फिर उसको उसका उपयोग फोर्थ जनरेशन में किया गया, लेकिन उसका ही उपयोग फिफ्थ जनरेशन में किया गया है जो अब हो रहा है। ये बड़े पैमाने पर इसका यूज किया गया जा सकता है दोस्तों। अब इसका क्या है, अब इसकी लैंग्वेज क्या है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इसकी भाषा है। ठीक है, अब क्या है कि ये देखिए इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्पीच करेक्टर ये इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, अब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोटिक्स में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक थे हमारे आज कंप्यूटर से संबंधित, उम्मीद करता हूँ कि आपको सही लगे होंगे। कल भी आपको कल इससे आगे की लेके आऊँगा और इससे संबंधित आपसे 10 या 15 क्वेश्चन कल पुट करने वाला हूँ। ठीक है, तो कल के वीडियो का वेट कीजिए दोस्तों। आज ये मेरी क्लास नंबर पहली थी, क्लास फर्स्ट थी आज ये। ठीक है, कल क्लास दूसरी होगी, आपको पूरे टॉपिक करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, मज़े में रहिए, थोड़ी देर पढ़ते 20-25 मिनट की वीडियो आप उसको देख लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बाकी किसी भी भाई को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में पूछ सकता है, आप उसको पूरा क्लियर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।